शॉट। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। ऐसा क्या देख रहे हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। हाय यू गाइस डूइंग, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। हाय आई एम अबी अब्दुल्ला एंड वेलकम टू माय चैनल। हंसने का क्या है, आफरीन बगल में बैठ के हाजिर है, हम इंट्रो दे रहे हैं इसीलिए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं सुका लाउंज सदन एवेन्यू में, रुका चलते हैं। ये है आपका विवेकानंदा पार्क के पास, आपका नियरेस्ट लैंडमार्क है फिलर्स, फिलर्स के पास ही है। वही हम लोग पहुंच गए हैं जुका लाउंज। ये हेमंत मुखोपाध्याय सरानी, हाँ P264C हेमंत मुखोपाध्याय सरानी, कोलकाता 29, वो है जुका लाउंज का एड्रेस। ये है एग्जैक्टली विवेकानंदा पार्क के ऑपोजिट में, थोड़ा सा आपको नजरुल मंच के ऑपोजिट लेन में जाओगे, फिलर्स वाला जो रास्ता है, फिलर्स वाला रास्ता को फिलर्स क्रॉस करके आगे जाओगे और आपको राइट हैंड साइड में जुका मिल जाएगा। हम लोग पहुंच गए हैं अभी, हाल फिलहाल हम लोग जुका लाउंज जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, मेरा शूट है तो वो शूट भी कंप्लीट करेंगे, खाएंगे पिएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ अच्छा आइटम्स क्या मिलता है और आप यहाँ क्यों आए। एंड इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट हॉटस्पॉट्स इन सदर्न कैलकटा। अगर आप साउथ के साइड में रहते हैं और आपको शीशा या अच्छा अच्छा खाना खाना है तो आप जुका लाउंज ज़रूर आए। अब गाड़ी बंद करते हैं, चलते ऊपर, आफरीन बैठ के बोर हो रही है। ठीक है, तो भैया आराम से बैठने के बाद खाना ऑर्डर करने की बारी है। हम ऑर्डर कर रहे हैं चिकन अफगानी टिक्का, वर्जिन मोहितो और वाटरमेलन मोहितो। उसके बाद हम लोग दही कबाब भी ऑर्डर करेंगे। तो अभी हम हैं जुका लाउंज के थर्ड फ्लोर वाले सेक्शन में और खाना आ गया है। हमने ऑर्डर किया है चिकन अफगानी टिक्का और मोहितो। मेरे साथ है खुर्शीद भाई, हाय, ही इज़ द वन जो जुका का सब कुछ है, करता धरता। मेन्यू में काफ़ी सारी वैरायटी है, चाहे वो खाने की हो या ड्रिंक्स की हो या शीशा की हो, बहुत ही अच्छी वैरायटी है एंड प्राइसेस भी बहुत ही अफोर्डेबल है। तो भाई जब तक मैं खाना खा रहा हूँ आप थोड़ा सा इस जगह का सिनेमैटिक देख लो, ठीक है ना। फिर थोड़ी देर में प्रकाश आ गया तो हम लोग ने प्लान किया कि चलो थोड़ा पूल खेलते हैं। तो पूल खेलने से पहले थोड़ी सी कॉफ़ी हो जाए बॉडी को एनर्जी देने के लिए। मैं तो फुल ऑन दबा दब बॉल पॉट करते जा रहा था, स्कोर करते जा रहा था और लास्ट में गेम आपके भाई ने ही जीता एकदम फंटास्टिक शॉट मार के। देखो चेक करो, यहाँ एसी है तो यहाँ आराम से बैठ के चिल मार सकते हो और अगर आपको ऊपर रूफटॉप टेरेस में बैठना है तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। फोर्थ फ्लोर पे टेरेस है तो चलिए। तो ये भैया ऊपर का फ्लोर, अगर आपको ऊपर शाम को बुकिंग कराना तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, कबाना है। यहाँ पे 3 कबाना लगे हैं और सीटिंग एरिया भी है। अभी काफ़ी सारा धूप है, ज़्यादा ही धूप है मेरे आँख ऐसा भरा देखो। तो ये है जुका का ऊपर वाला एरिया। सूरज अब बादलों के पीछे छुप गया तो मैं अब आंखें खोल सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ
ये है ज़ुका का रूफ टॉप एरिया, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। यहाँ कबानाज लगे हैं और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ आओ तो यहाँ ऊपर आके बैठो। नीचे थर्ड फ्लोर भी है एसी वाला रेस्टोरेंट एरिया, मगर अगर आपको चिल करना है खुली हवा में, ताज़ी हवा में, तो ये एरिया बेस्ट है। शाम को लाइट्स वाइट्स, ये फेरी लाइट्स और ये स्टार्स सारे जल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे एटमोसफेयर हो जाता है। यहाँ बैठने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है एंड खाना यहाँ का बहुत ही टेस्टी है। मैंने आज शूट किया है तो मैंने उसको टेस्ट भी किया, मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाया क्योंकि शूट में काफ़ी बिजी था। और यहाँ बुकिंग्स भी ले सकते हैं, कबाना बुकिंग्स ले सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट पार्टी है, अपना पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी कुछ भी कराना है, या फैमिली या फ्रेंड्स का गेट टुगेदर कराना है, तो ये जगह आप बुक करा सकते हैं। छोटा सा पैकेज है, वो आप आके यहाँ बात कर सकते हो। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खुर्शीद का नंबर डाल दूंगा, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन टॉक टू हिम, और से बात कर सकते हो, बुकिंग्स ले सकते हो। कबानाज है ये एरिया फोर्थ फ्लोर, और इसके नीचे थर्ड फ्लोर पे रेस्टोरेंट एरिया है। अगर आप ऊपर बैठना ऊपर बैठो, नीचे बैठना नीचे बैठो, बट ज़ुका आओ, इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस। एंट्री पे सैनिटाइजेशन है। ऐसे कबानाज में लाइट में अगर शाम को आके बैठोगे ना तो बहुत ही अमेजिंग एटमोसफेयर लगेगा। तो आई स्वेयर मुझे शाम को आना पड़ेगा और आप लोग को दिखाना पड़ेगा। ड्रिंक्स पीते हैं तो इनका पूरा जिम्मेदारी है हमारे हेड शेफ आमिर भाई का। ठीक है, तो आप ज़रूर आए, आमिर से मिले और डिस्कस करें कि आपको क्या खाना पसंद है, वो आपको बेस्ट सजेस्ट करेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना भाई, ठीक एकदम आप बेस्ट सजेस्ट कर देना जो भी आएगा। ज़ुका के बाहर गाड़ी रख के ना पूरा गाड़ी गंदा हो गया, ऊपर से गाछ से पत्ता वत्ता गिर गया। कौवा और कबूतर ने तो मेहरबानी कर दी। वाइपर जो होता है ना, वाइपर का जो पानी जो फुसफुस होता है, वो क्या होता है, उसको जो भी होता है वो उसमें पानी खत्म हो गया। तो अभी शैम्पू लिए हैं, शैम्पू डालेंगे और पानी भरेंगे और फिर इसको साफ करेंगे। अगर गाड़ी का देखभाल नहीं करेंगे तो गाड़ी चलेगा कैसे अच्छे से, है कि नहीं? गाड़ी का देखभाल तो करना है, उसको पानी पिलाना पड़ेगा, उसको भी प्यास लगेगी। तो भैया ये था ज़ुका, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। गाड़ी चलाते चलाते शूट कर रहे हैं तो जल्दी से कर दो, नहीं तो गाड़ी कहीं ठुक गया तो परेशानी हो जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। और यस, आज का वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye, take care, adios.